दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों कई बार समस्या होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, इनकी माएँ या तो ख़त्म हो जाती हैं या इनकी माओं को दूध पर्याप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इनको कैसे दूध पिलाया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए आपको एक प्रत्यक्ष नमूना दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखिए। लोग कहते हैं कि निप्पल से बच्चे दूध नहीं पीते, मैं सिर्फ निप्पल इसके पास दिखाऊंगा और देखिए कितना ज़्यादा ये टैलेंटेड बच्चा है। टैलेंटेड ये बच्चा जो है वो है ही। अगर आप शुरू से इन बच्चों की आदत डालेंगे तो निप्पल देखते ही जिस तरीके से दूध पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह से ये अपने आप निप्पल को पकड़ करके दूध पी लिया करेंगे। तो आर्टिफिशियल फीडिंग इसी को कहते हैं। और आपको एक सलाह मैं और दूंगा कि सिर्फ गाय या भैंस के दूध को डाइल्यूट करके आप पिलाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप 300 ग्राम दूध पिला रहे हैं तो उसमें कम से कम 200 ग्राम पानी मिलाएं, ये बात तो सही है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए उस दूध से, तो आप सिर्फ एक काम करें, उस दूध में अगर आप 2 से 3 बच्चों को पिला रहे हैं तो एक अंडा फोड़ करके मुर्गी का या बटेर का, ये नुस्खा मुझे बताया उमेश कुशवाहा सर ने, और इस नुस्खे को मैं भी उपयोग कर रहा हूँ। और फिलहाल जो रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है वो रिज़ल्ट ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो दूध की इस तरीके से आप फीडिंग उनकी करा सकते हैं, और अंडे को अगर आप डाल करके दूध पिलाते हैं तो ये दूध भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप सभी में से भी जो भी गोट फार्मर्स हैं अपने, उनमें से कोई भी ऐसा है जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि या तो बकरी दूध नहीं कर रही है या बकरी कारणवश किसी उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में बच्चों की इस तरह से आप आर्टिफिशियल फीडिंग करा सकते हैं, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और वो आराम से इस दूध को पीकर पचा भी लेंगे। आप खुद देख सकते हैं, इसमें मैंने इसका ना मुंह पकड़ा ना कुछ भी, सिर्फ निप्पल इनको दिखाता हूँ और तुरंत आ करके ये दूध को पीने लगते हैं। मेरे सारे बच्चे निप्पल पर खूब अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं और इस तरीके से उनकी मैं माँ के अलावा भी दूध पिला करके फीडिंग कराता हूँ, आर्टिफिशियल फीडिंग कराता हूँ, ताकि ये बच्चे थोड़ा और भी अच्छे, थोड़ा और भी स्वस्थ रहें। इस वीडियो के विषय में आपका क्या सुझाव है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझसे जितना बन पड़ेगा आप सभी, अभी मैं भी एक नया गोट फार्मर हूँ, मैं जो भी चीज़ें खुद महसूस करूँगा, जो भी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करूँगा, वो सभी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इसी तरह के वीडियोस के माध्यम से। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।